नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भाई मेरी हिम्मत है, मेरा वो सहारा है, वो अपना मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। वैसे तो भाइयों के किस्से और कहानियां आपको हर क्षेत्र में सुनने और देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर सियासत के पटल की ओर झांके तो राम लक्ष्मण की जोड़ी सिर्फ मुलायम और शिवपाल की ही रही है। सियासत की दुनिया में ये नाम ऐसे हैं जिनके आगे बड़े बड़े धुरंधर नतमस्तक हो जाया करते थे। मुलायम जैसे एक आम व्यक्ति को खास बनाने के लिए शिवपाल ने अपने शरीर में बहते लहू का एक एक कतरा तक कुर्बान कर दिया। उन्होंने उनके उस सपने को साकार किया जिस सपने को पाने के लिए मुलायम की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। जिस राज्य की सत्ता पर अपनी बादशाहत का सपना मुलायम ने पूरा किया, उस सपने के पीछे शिवपाल ने खुद को कितना तपाया है ये कम ही लोगों को पता है। शिवपाल ने मुलायम के लिए वो किया जो एक सच्चा और आदर्श भाई अपने भाई के लिए करता। मुलायम और शिवपाल का भाईचारा, दोस्ती और संबंध कैसे थे ये तो जग जाहिर है। 90 के दशक में इन दोनों के भाईचारे की मिसालें दी जाती थी। एक कहावत बहुत प्रचलित है, दांत काटी रोटी। ये कहावत इन दोनों के संबंधों में बिल्कुल सटीक बैठती है। नब्बे के दशक का वो दौर जब सियासत की दुनिया में एक छोटा सा नाम था मुलायम। नाम भले ही मुलायम था लेकिन इरादे लोहा थे। उन्हीं मजबूत इरादों के बल पे उन्होंने 92 में अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का गठन किया। धीरे धीरे इस पार्टी ने अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। जब नेताजी की आवाज सदन में गुंजायमान हुआ करती थी तो इससे इतर शिवपाल सिंह यादव तेज धूप के साथ आंख बिचोली खेलकर पार्टी को उस बुलंदी पर पहुंचा रहे थे जिसका सपना नेताजी देखा करते थे। समाजवादी की साइकिल को दौड़ाने में मुलायम का जितना हाथ है, शिवपाल का भी उतना ही साथ है। इस पार्टी की जड़ों की गहराई की नब्ज जब जब टटोली जाएगी, तब तब इसमें मुलायम और शिवपाल के खून और पसीने की रफ्तार की आवाज भी सुनाई देगी। इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों के समानांतर खड़ा करने के लिए इन दोनों भाइयों ने न तो दिन देखा और न ही रात, न पतझड़ देखी न बरसात, न आंधी देखी और न तूफान। इन दोनों के अटूट हौसले और अटूट इरादों के बल पर ही बनी है समाजवादी पार्टी। जिस पार्टी का नाम सुनकर बड़े से बड़े दिग्गज नेता कभी काम जाया करते थे, उस पार्टी के सूरज का उदय करने के लिए इन दोनों नेताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस दौर में जन्मे नेता शायद ही इनके बलिदान, इनकी दोस्ती, इनके भाईचारे और संघर्ष को समझ सके। देश की राजनीति में ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक जगत में एक अलग ही सिक्का जमाया था। वैसे तो फिल्मी पर्दे पर हमने आपने ना जाने कितने ऐसे किरदार देखे जिसमें भाई ने भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हकीकत की ओर अगर आप रुख करेंगे तो शायद आप मुलायम और शिवपाल के संबंधों से रूबरू हो पाए। मुलायम शिवपाल के किस्से अजर अमर है, जब जी चाहे देख और सुन लेना। जहां एक भाई कुश्ती के अखाड़े से पहुंचकर
सदन के अखाड़े में पहुंचा तो वहीं दूसरी ओर छोटा भाई साइकिल के हैंडल को थामे खड़ा भाई के हौसलों को परवान चढ़ा रहा था। खेत खलियान गली गलियारों में एक ही साइकिल पर सवार बड़ा भाई और पीछे और छोटा पीछे बिठाकर भाई के ही नाम के नारे लगाता हुआ देखा जा सकता है। शिवपाल मुलायम सिंह के करीबी यूं ही नहीं माने जाते थे। जब मुलायम सिंह यादव जून 1975 से जून 1977 तक आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुआ करते थे, उस दौरान पूरे देश से मुलायम का संपर्क शिवपाल के माध्यम से ही होता था। उस दौरान शिवपाल जो कि कॉलेज में बीए की पढ़ाई किया करते थे, कॉलेज से छूटने के बाद सीधा मुलायम के पास जाते और उनका संदेश लेकर जनता के पास उनकी बातों को पहुँचाते थे। जेल में बंद रहकर भी उनकी राजनीति को जिन्होंने धार दिया वे थे शिवपाल। मुलायम की अनुपस्थिति में शिवपाल उनके विधानसभा का दौरा भी किया करते थे। शायद यही वजह थी कि 2003 से 2007 तक शिवपाल ही अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया करते थे। जब नेताजी के नाम का सिक्का चलने लगा और वो धीरे धीरे हर गरीब के मसीहा बनने लगे, तब साथ ही साथ उनके दुश्मनों की भी फौज तैयार होने लगी। लेकिन शिवपाल की उपस्थिति में मजाल है कि कोई भी उनका बाल भी बांका कर पाए। जिसके पास शिवपाल जैसा छोटा भाई हो, भला उसे दुश्मन कैसे डरा सकते हैं। शिवपाल वो भाई है जिसने नेताजी को एक पिता की तरह पूजा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर हालत में बुरे से बुरे पलों में भी बड़ी हिम्मत और साहस के साथ चले। जब नेताजी विधानसभा और लोकसभा में विपक्षियों पर गरज रहे थे, उस वक्त उनका छोटा भाई शिवपाल उनकी दी हुई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए चिलचिलाती धूप में खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूत कर रहे थे। मुलायम ने जो भी कहा वो शिवपाल ने मान लिया। वो प्यार वो मोहब्बत शायद कभी राजनीतिक जगत में कभी दोहराई जाए, शायद ये किस्सा अब दोबारा घटे, शायद ही ऐसा प्यार अब दो भाइयों में फिर से देखा जाए। ये मुलायम और शिवपाल की संयुक्त मेहनत ही है जिसने फर्श से उठी एक पार्टी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी इनके मेहनत और संघर्षों की हमेशा बानगी देती रहेगी। दोनों भाइयों के दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प की बदौलत देश व दुनिया की राजनीतिक पार्टी में समाजवादी पार्टी को एक विशेष सम्मान और अदब का स्थान मिला है। लेकिन अखिलेश और रामगोपाल यादव के इरादों ने इस पार्टी के उन दीवारों पर चोट पहुंचाई है जिनकी जड़ों में मुलायम और शिवपाल का प्यार भरा था। उन्होंने उनके उन इरादों को ठेस पहुंचाई जिनके बल पर ही समाजवाद का उदय हुआ था। अखिलेश और रामगोपाल ने मिलकर राम लक्ष्मण की जोड़ी को झकझोर कर रख दिया। जो मुलायम सिंह यादव किसी से भी नहीं दबे, उनको अपने ने ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यूपी में पार्टियां चाहे जितनी आए, नेता चाहे जितने जन्मे, लेकिन इस जोड़ी के आसपास भी भटकना किसी के लिए अब आसान नहीं होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।